जिस सेंगोल के रखने पर भारत में विरोध हुआ, हंगामा हुआ, हिंदू धर्म से इसे जोड़ा गया, विपक्षियों ने संसद को बॉयकॉट तक किया, यही सेंगोल रखने पर विवाद बड़ा हुआ। लेकिन अब ऐसा ही नजारा गुयाना की संसद में दिखा है। पूरी दुनिया ये नजारा देखकर दंग रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गुयाना के संसद में खड़े थे, उसके पीछे सेंगोल जैसी आकृति रखी थी। मोदी पीछे पीछे चल रहे थे, आगे गुयाना की संसद में सेंगोल को कंधे पर लिए एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। ये नजारा उस वक्त का था जब मोदी उस देश के लोकतंत्र के मंदिर में पहुंच रहे थे। भाषण से पहले उस स्थान पर सेंगोल रखा गया जहां मोदी पूरी दुनिया के सामने एक नया इतिहास रचने वाले। ना इंदिरा गांधी ऐसा कुछ कर पाए, ना मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी की गुयाना में शानदार एंट्री हुई। सारे सांसद दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता को देखकर अचानक खड़े हो गए। लेकिन इन सबके बीच सबसे खास जिस पर सबकी नजर गई वो ये कि जब मोदी आगे बढ़ रहे थे, उनके ही आगे सेंगोल जैसी आकृति लिए एक व्यक्ति चल रहा था। लेकिन अब सवाल है कि क्या वो सचमुच सेंगोल है? क्या इसे प्रधानमंत्री मोदी ने रखवाया, जैसे कि भारत के संसद में भी सेंगोल रखा गया? आइए बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की असलियत क्या है और आखिर इसे क्यों रखा गया है। लेकिन खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है एचसीएन न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। 28 मई 2023, ये वो दिन था जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। इसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजदंड सेंगोल को विधिवत तरीके से स्थापित किया। ये वही सेंगोल है जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की रात अपने आवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में स्वीकार किया था, लोकतंत्र के हिसाब से। वहीं आजादी की पहचान सेंगोल को भी लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास रखा गया। लेकिन भारत में इसका खूब विरोध हुआ। विपक्ष ने तो इसे धार्मिक तक बता दिया, कहने लगे सेंगोल को हटाकर संविधान रखा जाए। बीजेपी विरोधियों ने तो जैसे मुहिम छेड़ी। लेकिन वही सेंगोल जैसा चिन्ह उस गुयाना की संसद में दिखा जिनके राष्ट्रपति है इरफान अली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। बहरहाल अब आपको बता दें कि सेंगोल का परिचय आखिर है क्या। 9वीं सदी से 13वीं सदी के बीच जब हिंदू साम्राज्य में एक राजा दूसरे राजा को गद्दी सौंपता था तो प्रतीकात्मक तौर पर सेंगोल सौंपा जाता था। बहरहाल फिलहाल गुयाना से जो तस्वीर आज दुनिया को दिख रही है वो भारत में बैठे विपक्ष के लिए जवाब है और दुनिया भी इसे देख कर हैरत में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुयाना के दौरे पर है। इस दौरान वो गुयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे हैं। ऐसा 14वीं बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश के संसद में संबोधित कर रहे हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ये एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। बता दें कि भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पीएम मोदी से पहले मनमोहन सिंह ने 7 बार दूसरे देश की संसद को संबोधित किया था। इंदिरा गांधी 4 बार कर चुकी हैं, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार और राजीव गांधी ने भी 2 बार दूसरे देश की संसद को संबोधित किया। पीवी नरसिम्हा राव और मुरारी जी देसाई ने 1-1 बार दूसरे देश की संसद को संबोधित किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनोखा रिकॉर्ड। लेकिन अब खास बात यह है कि गुयाना की इतनी चर्चा की तो आइए बताते हैं कि गुयाना में जब पीएम मोदी ऐतिहासिक भाषण देने वाले थे, सेंगोल को प्रणाम किया। अब उस सवाल पर आते हैं कि ये चीज क्या है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणाम किया, तो आपको परिचय देते हैं। दरअसल ये गदा जैसा दिखता है। जब गुयाना 23 फरवरी 1970 को एक गणराज्य बना तो इसके राज्य चिन्ह के सिर पर ब्रिटिश शाही हथियारों को दर्शाया गया, जिसे बाद में बदला गया। गुयाना के हथियारों को बाद में कोट से बदल दिया गया। आप तस्वीरों में देखेंगे कि पहले क्राउन जैसी आकृति है और बाद में अगर आप देखेंगे तो एक गदा जैसी है। अब आपको बता दें कि पहली बार 10 सितंबर 1957 को इसे इस्तेमाल में लाया गया था। बाद में इसके सिर के डिजाइन को, जो कि राज्य चिन्ह कहलाता है, उसे बदल दिया गया, जिसे आप सभी गुयाना की वर्तमान संसद में देख रहे हैं, जिसे आप गदा नुमा भी मान सकते हैं। वहीं इसे स्पीकर के अधिकार के प्रतीक के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई। इसकी जानकारी गुयाना के सहकारी गणराज्य की संसद की राष्ट्रीय सभा से मिलती है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं ये पहली प्रतीक है जिसे 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में 1970 में इसे बदला गया। ये फिलहाल गदा के आकार का दिखता है जो आप भी देख सकते हैं। अब आपको बता दें कि पहली गदा के सिर को संरक्षित किया गया है और संसदीय पुस्तकालय में प्रदर्शित किया गया है।
बहरहाल अब इसकी चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसकी तस्वीर ने वाकई सुर्खियां भी बनाई। यही नहीं, पीएम ने मौजूदा 5 दिन के विदेश दौरे पर उन्होंने 2 समिट 3 देश और 31 वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड साबित होता है। संसद में ऐतिहासिक भाषण हो या फिर गुयाना के संसद की ये तस्वीर, जहां गदा के आकार सा दिखने वाला ये प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में खास माना जा रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या आप मानते हैं कि गुयाना की संसद की ये तस्वीर पीएम मोदी के साख को और मजबूत कर रही है? ये तस्वीरें उनके विरोधियों के बीच चिंता पैदा कर रही है? आपको क्या लगता है, जवाब कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।